हेलो स्कूल जी मेंबर, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सारे के सारे अच्छे होंगे, अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे वीवो प्रो कबड्डी से। कबड्डी की बात है, लोग पोजीशन के बारे में पूछ रहे थे कि भैया पोजीशन के बारे में बता दो कि कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पे रहता है, राइट कवर, राइट लेफ्ट कवर क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है, मिड क्या होता है, ये सारी चीजें। हालांकि कुछ बेसिक से लेके ऊपर तक की जानकारी मैंने दे रखी है, वीडियो बना रखी है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, सारी चीजें पता चली जाएगी। बट मैंने पोजीशन नहीं बताया और कुछ लोग पूछ रहे भी रहे थे क्योंकि कबड्डी का सीजन है, तो सारी डाउट क्लियर हो जाएगी और पोजीशन में इजीली 2-4 मिनट में आपको बता दूं, ठीक है? वीडियो पसंद आएगी तो प्यार से एक लाइक कीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मोटिवेटेड रहे और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी रहे। अगर आप इन्वेस्ट करते हो प्रो कबड्डी में, कुछ बड़ा कमाना चाहते हो ना, तो माई फेवरेट पे खेलो। अब कुछ लोग पूछेंगे क्यों खेले भाई चौर में, क्यों खेले माई फेवरेट पे? एकदम से जीएसटी फ्री है, कोई भी 28% की जीएसटी आपको नहीं देने हैं माई पेवलोन पे, इसीलिए मेरा फेवरेट एप्लीकेशन है, मैं खेलता हूँ, अच्छा खासा पैसा लगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, मैच में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लिए एकदम से कंपलसरी ये एप्लीकेशन यूज करना MyPavilion.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। ये 28% का जो डिसएडवांटेज मिलता था ना जीएसटी का एवरी डिपॉजिट पे, उसका इन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया, अपने जेब से आपका जीएसटी पे करते हैं, ठीक है? और ये हमारा चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, रिजल्ट जाके देखो, जितने भी मैचेस हुए अभी 2 मैचेस कंप्लीट हुए, रिजल्ट जाके देखो क्या ही रिजल्ट है हमारा, और पॉइंट्स डिफरेंट देखना कि कितने पॉइंट्स से जीत रहे हैं और किस तरीके से जीत रहे हैं, ठीक है? तो बात करेंगे पोजीशन का, तो पोजीशन इजी वे में मैं समझा देता हूँ, 2-4 मिनट में ही क्लियर हो जाएगी, इसलिए ध्यान से देखना और पसंद आ जाएगी ना, सीख जाओगे, तो फिर एक कमेंट कर देना कि हाँ भाई एक जो डाउट थी ना, एक भरी बात जो डाउट थी वो डाउट क्लियर हो गई आपके वीडियो देख के। मैं इजी वे में समझा दूंगा, ठीक है? अब सिंपल समझो, मैं हाथ से ये कोर्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? मान के चलो ये कोर्ट है, ठीक है? इस पे कबड्डी के मैचेस होते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, ठीक है? बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या? रुको, फिर से इरेज करते हैं, ठीक? एक बड़ा सा कोर्ट बनाते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है? और क्लियर आप समझ पाओ A to Z, ठीक है? ये कोर्ट हो गया। अब कुछ बोलेंगे ना कि भाई कोर्ट का जानकारी दे दो कि मिड लाइन, बोक लाइन, बोनस लाइन, लॉबी क्या होती है, तो भाई पसंद नहीं आएगी ये बातें। वीडियो अपलोड कर रखा है मैंने ऑलरेडी, जाओ यार देखो, 2-4 वीडियो पहले ही मिल जाएगी आप, उसे बारीकी से तोड़ तोड़ के मैंने समझाया। देखो ये है मिड लाइन, ठीक है? उसके बाद आती है बोक लाइन, उसके बाद आती है बोनस लाइन, ठीक है? सेम है, इधर से भी बॉक लाइन आती है और बोनस लाइन आती है, ठीक है? ये दो लाइन मान के चलो कि कोर्ट ए हो गई, ये कोर्ट बी हो गई, ठीक? अब मैं इजी वे में समझा देता हूँ। देखो यार, हमको देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये राइट हो गया मेरे लिए, उस अकॉर्डिंग देख लेना, वीडियो ऐसे देखोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। देखो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, सेम कोर्ट के ऊपर चलते हैं, क्या हो गया, ये हमारा राइट हो गया सिंपल, ये हमारा लेफ्ट हो गया। टोटल कितने खिलाड़ी खेलने वाले हैं? 7 खिलाड़ी खेलने वाले हैं, तो मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 खिलाड़ी खेलने वाले। चलो तो नामकरण कर देते हैं, नामकरण एक दो से ही कर देते हैं, इजी रहेगा, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नामकरण भी मैंने कर दिया, इजी दिख रहा है ना भाई, देख लेना, आई होप दिख रहा होगा सारा चीज के लिए, ठीक है? ये 7 खिलाड़ी हो गए, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। अब कुछ लोग को भाई जरा सा समझ जाओगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये समझो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। अब सिंपल समझो, जो कॉर्नर है और कॉर्नर पे जो खिलाड़ी खड़ा रहेगा, सिंपल है, राइट पे खड़ा रहा तो राइट कॉर्नर, लेफ्ट पे खड़ा है तो लेफ्ट कॉर्नर, कहाँ डाउट आ रहा है? कहीं डाउट आया नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो देखो फिर, ये खिलाड़ी ए राइट पे खड़ा है तो ये हो गया राइट कॉर्नर, ठीक है? ये 7वां खिलाड़ी लेफ्ट पे खड़ा है तो ये हो गया लेफ्ट कॉर्नर, कोई डाउट नहीं होगा, इजी वे में मैंने समझा। अब कुछ लोग फंस जाते हैं, चल भाई इधर से राइट कॉर्नर हो गया, इधर से लेफ्ट कॉर्नर, इधर से राइट कॉर्नर, उसके बगल वाला खिलाड़ी जो 6 है और इधर से 1 नंबर का बगल वाला खिलाड़ी जो 2 है, इधर से ये राइट कवर हो गया, उधर से 6 नंबर का प्लेयर को जो है लेफ्ट कवर, तो नहीं मेरे भाई। अब इस पोजीशन को भी आप छोड़ दो,
जो उसके बगल में हाथ पकड़े रहता है, और इस पोजीशन को भी छोड़ दो, उसके बाद चले आओ। जो 3 नंबर का खिलाड़ी है ना, वो होगा राइट कवर। इधर से आपको 6 नंबर को छोड़ दो, ये 5 नंबर का जो खिलाड़ी होगा ना, ये होगा लेफ्ट कवर। समझ रहे हो? अब फिर बोलोगे भाई जो 1 नंबर के साथ हाथ पकड़े हुए है, जो राइट कवर के साथ हाथ पकड़े हुए है, जो लेफ्ट कवर के साथ हाथ पकड़े हुए है, वो क्या होगा? तो जो हाथ पकड़े हुए है 2 नंबर का खिलाड़ी, वो होगा राइट इन। मैं जो 7 नंबर के साथ 6 नंबर खिलाड़ी हाथ पकड़े हुआ है, वो होगा लेफ्ट इन। अब समझ में आया? हाँ भाई, अब सही बताए, ये हुई ना बात। और बीच का जो एक खिलाड़ी बच जाता है वो 4 नंबर का, वो होता है सेंटर। कोई दिक्कत कहीं भी? कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, क्लियर चुटकी में, क्लियर पोजीशन किस तरीके से पोजीशन पे रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैच देखना, अब समझ में आएगी। जब कमेंटेटर बोलेगा कि भाई राइट कवर पे ये खिलाड़ी, लेफ्ट कवर पे वो खिलाड़ी, अब समझ में आएगी आप, है ना। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम केसेस में जो 7 नंबर का खिलाड़ी है, जो 1 नंबर का खिलाड़ी है, तो 3 नंबर का खिलाड़ी, ठीक है, जो यहां से 6 नंबर का खिलाड़ी है, या डिफेंडर होते, ठीक है, समझ रहे हो? सॉरी मेरे भाई, यहां से तो ये तो इन हो गए, जो इधर से है, जो यहां से 3 नंबर के खिलाड़ी, और जो 5 नंबर के खिलाड़ी, और 7 नंबर के खिलाड़ी, और 1 नंबर के खिलाड़ी जो है, ये मैक्सिमम केसेस में डिफेंडर होते हैं, ठीक है। और जो यहां से राइट इन के खिलाड़ी हो गए, जो कि मैंने बताया ये 2 नंबर के, तो 6 नंबर के राइट इन के खिलाड़ी जो हो गए ये, या सेंटर के खिलाड़ी, या तो ये रेडर होते हैं, या तो ऑलराउंडर, ठीक है, ये पोजीशन होता है प्लेयर का। समझ गया ना सारी चीजें? डाउट क्लियर? अब प्यार से एक लाइक करना और प्यार से कमेंट करना, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, पीकेएल का मैं सारा मैचेस कवर कर रहा हूँ, तो स्किल गुरुजी ऑफिशियल चैनल आपके लिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी।